दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ पेट दर्द के एकदम घरेलू उपाय। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, आज हम पेट दर्द के उपायों, कारणों और उसके उपचार के बारे में बात करने जा रहे हैं। पेट में दर्द के कई कारण हो सकते हैं। आयुर्वेदाचार्यों की माने तो दूषित पानी, खाने का समय ना होना और बाहर के खाने को तवज्जो देना, पौष्टिक आहारों से दूरी बनाए रखना, शराब का सेवन करना, फास्ट फूड और जंक फूड पर निर्भर रहना, खाने के साथ कोल्ड ड्रिंक, मिर्च मसाला, तली भुनी हुई चीजों का ज्यादा सेवन करना, यह कुछ ऐसी वजह हैं जिसके वजह से पेट दर्द की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसके अलावा कई बार छठर के रोग, पेट में अल्सर, छोटी बड़ी आंत में सूजन के कारण भी पेट में तेज दर्द होता है। केवल इतना ही नहीं, मसालेदार भोजन, लहसुन, टमाटर, जूस, खट्टे फल आदि का अधिक मात्रा में सेवन करने से भी पेट में जोरों की दर्द हो सकती है। हम आपको बताने जा रहे हैं कि पेट की सफाई कैसे करें ताकि आपके पेट में दर्द हो ही ना। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि पेट की सफाई कैसे रखें। पेट दर्द की समस्या वाले नींबू की फांक के ऊपर काला नमक, काला जीरा तथा काली मिर्च का थोड़ा सा चूर्ण डालकर धीरे धीरे चूसें। साधारण रूप से पेट में दर्द होने पर 4 ग्राम पुदीने के आधा आधा चम्मच सौंफ, अजवाइन मिलाएं। इसमें थोड़ा सा काला नमक और 2 रत्ती हींग डालें। सबको पीसकर चूर्ण बनाकर गर्म पानी से लें, आपको फायदा होगा। सौंफ, जीरा तथा सेंधा नमक पीसकर गर्म पानी के साथ सेवन करें, पेट दर्द में आराम मिलता है। जब पेट दर्द हो तो 1 चम्मच नींबू व अदरक का रस मिलाकर धीरे धीरे चाटें। पेट का दर्द आपको परेशान कर रहा है तो आधा चम्मच लहसुन का रस पानी में मिलाकर पिएं, आराम मिलेगा। तुलसी के पत्ते का रस आधा चम्मच, अदरक का रस 1/4 चम्मच, दोनों को मिलाकर गुनगुने पानी करके पिएं, लाभ मिलेगा। 2 चुटकी काला नमक, 10 लौंग, आधी चुटकी हींग, तीनों को पीसकर 2 खुराक बना लें। इसे सुबह शाम सेवन करें, ऊपर से गुनगुना पानी पिएं। नारियल के पानी में सेंधा नमक डालकर पिएं। पेट दर्द के लिए अनार के छिलकों का चूर्ण बना लें और आधा चम्मच चूर्ण शहद के साथ लें। नारियल पानी गैस की समस्या में काफी प्रभावकारी है। गैस की समस्या से छुटकारा पाने के लिए खाना खाने के बाद अदरक के टुकड़ों को नींबू के रस में डुबोकर खाएं, क्योंकि अदरक में पाचक एंजाइम होते हैं, इसलिए गैस में आपको आराम मिलेगा। पेट की सूजन को दूर करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। पेट में सूजन के शिकार लोग शराब पीना छोड़ दें। भोजन के बाद अजवाइन में काला नमक मिलाकर खाने से पाचन एकदम तंदुरुस्त हो जाता है और सूजन भी नहीं होती। पेट दर्द में क्या नहीं खाना चाहिए। अगर आपको पेट दर्द की समस्या है तो कोल्ड ड्रिंक का सेवन मत कीजिए। जो चीज ज्यादा मीठी है या जिसमें ज्यादा चीनी है, उसे पेट दर्द में नहीं खाना चाहिए। कच्चे फल और सलाद जो कटा हुआ हो, उन्हें ना खाएं तथा साफ पानी पीजिए। पेट दर्द की समस्या में अपने शरीर को आराम दें, ज्यादा घूमने की कोशिश मत कीजिए। ज्यादातर पेट दर्द की समस्या खाना खाने के नियम में बदलाव की वजह से होता है, इसलिए समय पर और सही खाएं। कोशिश करें कि मसालेदार और फैट वाले भोजन से दूर रहें। यही नहीं, यदि आप कैफीन, शराब और कोल्ड ड्रिंक्स के शौकीन हैं, उन्हें भी अपनी इस चाहत से दूर रखनी चाहिए। तो आप आज ही सावधान हो जाइए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।